हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द न्यू एमसीक्यू सीरीज ऑफ जीके जीएस जिस वीडियो का आपका जिस सीरीज का आपका बहुत ही ज्यादा इंतजार था वो सीरीज आ चुका है एडीआर टू पॉइंट का तो अलग से चल रहा था वो तो चलेगा लेकिन जो स्टूडेंट एडीआर के साथ साथ एपीएससी या फिर एस के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए है ये सीरीज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले ये वीडियो जो है ये शेयर कर दो यार शेयर कर दो नगर पे ढिंडोरा दो कि नया सीरीज आ चुका है ठीक है बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन द सोर्स ऑफ मैक्सिमम इनकम टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज देखो हमारे देश को चलाने के लिए सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल और गांव विलेज लेवल में पंचायती राज इंस्टीट्यूट का गठन किया गया जिसको ग्राम पंचायत भी बोला जाता है उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है तो वो है गवर्नमेंट ग्रांट हम्म, गवर्नमेंट ग्रांट मतलब विलेज विलेज में डेवलपमेंट वर्क करने के लिए गवर्नमेंट पैसा देता है तो वो ग्रांटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम इनकम होता है किसका पंचायती राज इंस्टीट्यूट का कौन ग्राम पंचायत बात क्लियर हुआ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कंसीडर फॉलोइंग रिलेटेड और हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है पहला स्टेटमेंट द फर्स्ट एसमीस लैंग्वेज पब्लिश इन 1849 देखो 1849 तो नहीं था, 1846 था। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया एक नहीं एटीन फोर्टी नाइन नहीं होगा क्या होगा 1846 ओके द फर्स्ट एसमिस रोमेंटिक वाज पब्लिश इन द मैगजीन नो द फर्स्ट रोमेंटिक पोएम कौन था बोन कुओरी लिख लो लिख लो जिसको जिसको नहीं आता है वो लिख लो बोन कुओरी कौन बोन कुओरी ओके बोन कुओरी रिटर्न बाय चंद्र कुमार लिख लो लिख लो लिख लो च्र चंद्र कुमार आगरवाला कौन थे उनको प्रतिमार खनिकर बोला जाता था प्रतिमार खनिकर ठीक है सर उनको क्या? मैं यहां पे लिखा देता हूं चंद्र कुमार को प्रतिवार खुनिकोर बोला जाता था और वो एक जर्नलिस्ट भी थे ठीक है और चंद्र कुमार अगरवाला जो है उनको आ, वो एक्चुअली फर्स्ट एडिटर थे फर्स्ट एडिटर थे किसका जोना की मेगाजीन का जहां पे उनका बोनकोरी रिलीज़ हुआ था ठीक है पब्लिश हुआ था सॉरी ठीक है और एक बात चंद्र कुमार अगरवाला फाउंडर मेंबर भी थे किसका ओखोमिया भाखा उन्नति सलिनी सभा क्या 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 फिर से लिखाओ देखो लिख लो ओखोमिया ভাষা ভাষা সরি ভাষা ভাষা উন্নতি উন্নতি স্বাধীনী সভা সভা ঠিক আছে দিস ইজ এ লিটারি অর্গানাইজেশন অফ আসাম ওকে এন্ড चंद्र कुमार लिख लो पहले ठीक है भागा उन उन्नोतीसौ बारह अगर तुमको पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुआ तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में मैं आ, वीडियो रिलीज होने के कुछ टाइम बाद ही मैं सही आंसर कमेंट पे बोल दूंगा ठीक है तब तक के लिए आप लोग कमेंट पे बताओ दूसरा बात चंद्र कुमार अगरवाला जो था चंद्र कुमार चंद्र कुमार आगरवाला और उनका दो दोस्त कौन हेमचंद्र गोस्वामी हेमचंद्र गोस्वामी और कौन लक्ष्मीनाथ बेसबुड़ुआ इनको क्या बोला जाता है इनको त्रिमूर्ति ऑफ एफ लिटरेचर बोला जाता है क्या बोला जाता है त्रिमूर्ति ऑफ मीस लिटरेचर बात क्लियर हुआ तो इसका मतलब आ, इन दो स्टेटमेंट से एक भी सही नहीं है ना इधर वन नॉट टू ठीक है बात हज़म हुआ स्क्रीन शॉट मान लो स्क्रीन शॉट मान लो लेट मत करना स्क्रीन शॉट मान लो ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का हु एमोंग द फॉलोइंग डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है मैं बोलता हूँ देखो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930 के आसपास ठीक है 12 नवंबर 1930 के आसपास शुरू हुआ था तो मुझे याद आ रहा है तो उस टाइम पे ये कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं किया गया था बाय महात्मा गांधी वाई बिकॉज महात्मा गांधी उस टाइम पे शायद सिविल डिसविडियंस मूवमेंट हाँ 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 क्योंकि वो महात्मा गांधी सिविल डिस मूवमेंट डी ओबीडियंस मूवमेंट सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग ओके वो चालू किया था वो नाइनटीन थर्टी में चालू किया था उन्होंने ये मूवमेंट इसको लीड कर रहे थे uh, और एम के गांधी उस टाइम पे अटेंड भी नहीं हो पाए ठीक है चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि द जेंडर पैरिटी इंडेक्स इज रिलीज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज पहली बात जेंडर पेरिटी इंडेक्स जो है वो एक्चुअली ये देखता है कि एजुकेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स के बारे में देखता है गैप के बारे में देखता है ठीक है ये आ, ये रिलीज करता है यूनेस्को कौन यूनेस्को ठीक है इसका 2023 का रिपोर्ट जो आया हुआ है इसका 2023 का जो रिपोर्ट आया हुआ है उसमें आ, इंडिया 127 रैंक पे आता है आउट ऑफ 140 कंट्रीज ठीक है और एक बात यूनेस्को का फुल फॉर्म बता दो यूनेस्को का फुल फॉर्म बता दो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल अब बाकी बता दो कमेंट सेक्शन पे कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो अच्छे से एकदम अच्छे से देखते रहो वीडियो को एंड तक ठीक है विच सिटी ऑफ आसाम इज नोन एज द सिटी ऑफ इटरनल रोमैंस देखो रोमैंस का बात करने से ही तुम लोगों के दिमाग पे क्या चलता है हुँ? सुनो द सिटी ऑफ आसाम विच सिटी ऑफ आसाम इज नोन एज द सिटी ऑफ इटरनल रोमैंस तो वो है तेजपुर आप बताओ क्यों 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 आगे बढ़ो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का ठीक है और इसका मतलब देखो इस चीज को थोड़ा सा मतलब अ, अच्छे से लेना और मन लगा के पढ़ना ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि वो अपॉइंट्स एक्टिंग चीफ जस्टिस फॉर द हाई कोर्ट अब मान लो कि हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस का जो सीट है वो वैकेंट है ठीक है तो फिर वहाँ पे अपॉइंट कौन करेगा एक्टिंग चीफ जस्टिस ठीक है तो वो करता है प्रेसिडेंट वो कौन करता है वो प्रेसिडेंट करता है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल टू ट्वेंटी थ्री आर्टिकल टू ट्वेंटी थ्री आर्टिकल टू ट्वेंटी थ्री उनको बोलता है प्रेसिडेंट को बोलता है कि आप अपॉइंट करो ठीक है एक्चुअली टू ट्वेंटी थ्री बोलता है कि अगर हाई कोर्ट का जो ऑफिस ऑफ सी जे आई है uh, वो अगर मान लीजिए कि वो वैकेंट है तो प्रेसिडेंट वो अपॉइंट करता है ठीक है ठीक uh, है चलो

मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सात मेंबर का एक ग्रुप है जिसको जिसको हेट कर रहा था जिसको जिसको मतलब जिसका लीडर कौन था जॉन साइमन जिसके नाम के ऊपर साइमन कमीशन रखा गया ठीक है साइमन कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था कि रिव्यू करना कि आज, इंडिया में गवर्नमेंट क्या चल रहा है मतलब गवर्नमेंट का सॉरी एक्चुअली एक एक्ट एक एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन इसके बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो उसको एक रिव्यू करने के लिए आया था और वहाँ पे साइमन कमीशन एक एक डिसाइड करता था मतलब उसका मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि एक डिसाइड करना कि पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा भारत का ठीक है अब इस चीज़ को लेके इस चीज़ को लेके मतलब यू नो प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेट इसलिए हो रहा था बिकॉज देर वॉज नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव क्योंकि साथ साथे लोग कौन थे ब्रिटिश मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट का आ, लो, आ, मतलब लोग था राइट तो इसमें प्रोटेस्ट हुआ पर देखो पुलिस ने क्या किया पुलिस ने लाठी चार्ज किया और ये एक्चुअली हुआ कब ये हुआ था 1928 को थर्टीथ अक्टूबर में हुआ था है इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय का आ, उनको उनको क्या होता है उनको न, इंजरी होता है और फिर वो हम लोग को छोड़ के चले जाते हैं लेकिन उनका जो सोच है वो हमारे साथ अभी भी है राइट देखो यार कितना क्या बोलो अब बोल के समझाया नहीं जा सकता ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तो इसका आंसर कौन क्या होगा लाला लाजपत राय ठीक है या मैं जो बोला अगर तुमको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा पॉज करके फिर से सुनो और ठीक है सम और लिखो नोट डाउन करो ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि हु गेव द स्लोगन इन क्लब जिंदाबाद तो ये है Hmm, तुमको लगेगा भगत सिंह है राइट बट एक्चुअली भगत सिंह हु गेव द स्लोगन इनकल जिंदाबाद यस इट इज़ इन भगत सिंह बट मौलाना हसरत मोहानी ठीक है मौलाना हसरत मोहानी इन नाइनटीन ट्वेंटी वन क्वन द टर्म इन जिंदाबाद जो है ये नाइनटीन ट्वेंटी वन में मौलाना हसरत मोहानी ने कॉइन किया था ठीक है लेकिन भगत सिंह ने उनको यू, इसको यूज़ किया Uh, वो गेव द स्लोगन इनक्लब्स uh, जिंदाबाद तो मेनली नॉन ऑफ द एवव होगा क्योंकि इस 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 स्लोगन को कॉइन करने वाले मौलाना हसरत मोहानी थे ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का मणिपुरी प्रिंसेस कुरांग गनायानी वॉज मैरिड टू विच अहोम किंग इट इज राजेश्वर सिंघा इट वॉज राजेश्वर सिंघा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का द वर्ड लिख लो ठीक है राजेश्वर सिंघा अच्छे से राजेश्वर सिंघा ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का द वर्ड सोशली सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मतलब सोशली सेकुलर एंड इंटीग्रिटी एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई विच अमेंडमेंट देखो पहली बात ये 1976 में लाया गया था ये अमेंडमेंट ये जो तो, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है चेंज ठीक है तो ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था बाई फोर्टी सेकेंड एमेंडमेंट ओके और देखो पहली बात लिख लो फोर्टी सेकेंड अमेनमेंट ठीक है बाई फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट कब लाया गया नाइनटीन सेवेंटी सिक्स और ये ये जो ईयर है ना इसको तो थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि नाइनटीन सेवेंटी फाइव से लेके नाइनटीन सेवनटी सेवन तक क्या चल रहा था इमरजेंसी चल रहा था किसका गवर्नमेंट था इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट था ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तो अच्छे से नोट डाउन कर लेना ठीक है इमरजेंसी के पीरियड के टाइम पे ये लाया गया था सोशलिस्ट हमारा भारत सोशलिस्ट है सेकुलर है और यूनिटी इन इंटरग्रेट ऑफ द नेशंस ठीक है ये सब वर्ड लाया गया था चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सुभाष चंद्र बोस द प्रोविन द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एट सिंगापुर कब ट्वेंटी वन 1943 नाइनटीन लिख लो ट्वेंटी अक्टूबर नाइनटीन क्लियर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सिंगापुर में है ठीक है लिख लो अच्छे से नोट डाउन कर लो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इनहेरेंस इट्स देखो वेलफेयर स्टेट का जो आइडियल है आइडिया idea है आइडियल माने मतलब होता है ना समझाओ में ये आइडियल्स कि लाइक तुम्हारा सोच ठीक है वो डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अब डीपीएसपी क्या होता है तो डी एक ऐसे नियम कानून होता है जिसको जिसको रखा जाता है दिमाग पे कब जब स्टेट अपना पॉलिसी बनाता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है ठीक है तो ये जो वेलफेयर स्टेट का जो आइडियल आइडिया है ये डी में लाया गया था ठीक है डी पी एस पी डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का पंपा सागर धाम डैम डैम इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉरिंग रिवर्स इट इज़ तुंगा भद्रा ओके okay, तुंग रिवर ये कर्नाटक में है ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का जनजातीय गौरव दिवस इज सेलिब्रेटेड टू कॉमरेड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इट इज भगवान बिरसा मुंडा ठीक है भगवान बिरसा मुंडा ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे बहुत ही लेजेंडरी इंसान और हम सबको उनके बारे में पढ़ना चाहिए जरूर पढ़ना चाहिए ठीक है पंद्रह नवंबर को आता है जनजातीय गौरव दिवस ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय ए पैरासाइट वो क्या है वो एक वायरस है ठीक है डेंगू वायरस वायरस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो ये नोट no डाउन कर लो सॉरी नोट डाउन कर लो ठीक है वायरस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी अफेक्ट्स बाय हेपेटाइटिस बी इट्स इट इज लिवर ओके इट इज लिवर पहली बात हेपेटाइटिस बी जो है उसका वैक्सीन है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है एक लिवर इंफेक्शन का बीमारी है ठीक है ल, ये ये लिवर का बीमारी है इसको एफेक्ट करता है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का द साउथ ईस्ट एशिया रामायणा रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज स्टार्टेड बाय बोलो डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी इनके बारे में मतलब थोड़ा रिसर्च करना ठीक है ये इनको असम रत्न मिल चुका है जननपीत अवार्ड उनके नाम पे है आ, उनको दिया गया है सम्मानित किया गया है ठीक है मुझे बताओ ये साउथ ईस्ट एशिया रामायण रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है तुम लोग खुद गूगल करके पढ़ो लेकिन लिखो नोट डाउन कर लो ठीक है पढ़ो नोट डाउन करो स्क्रीन ले लो ठीक है बात करते है नेक्स्ट क्वेश्चन का कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज द वाइट पगोड़ा इट इज़ गलती 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 ये डिब्रूगढ़ नहीं होगा पुरी टेम्पल इन पुरी ओडिशा ठीक है वाइट पगोड़ा ये जगन्नाथ टेम्पल को बोला जाता है ठीक है फिर ब्लैक पगोड़ा ब्लैक ये सन टेम्पल कोनार्क में जो है उनको बोला जाता है और एक बात जगन्नाथ टेम्पल जो पूरी में है ये चार धाम यात्रा जो है उनका एक पार्ट है बद्रीनाथ द्वारिका पुरी एंड रामेश्वरम क्या बद्रीनाथ द्वारिका पुरी एंड रामेश्वरम ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का पोर्टल संतुष्ट इज द एजिस ऑफ Uh, कोशिश करता है लेबर लॉस इन द ग्राउंड लेवल ठीक है बात करता है नेक्स्ट क्वेश्चन का कनक लता बोरुआज रिलेटेड टू रिलेटेड विथ हुई फॉलोइंग मूवमेंट याद रखना कनकलता बोरुआ का नाम दिमाग पे आने से ना दिमाग पे मतलब जोश आ जाना चाहिए मोटिवेशन सत्रह साल की लड़की को किस बात का मोटिवेशन चाहिए था अपने देश के बारे में लड़ने के लिए सुनो मेरी बात सत्रह सत्रह साल की एक लड़की ठीक है जो मित्तु बहिनी का स्क्वाड एक मित्तु वाहिनी एक स्क्वाड है आ, उसका एक पार्ट था ठीक है जो गोहपुर स्टेशन गोहपुर पुलिस स्टेशन के उधर मतलब एक साइलेंट मतलब एक आ, प्रोटेस्ट कर रहा था ठीक है फिर पुलिस ने वहां पे ओपन फायर किया ठीक है ओपन फायर में उन उनको गोली लगा सोचो समझो सत्रह साल की लड़की है लेकिन जो झंडा है वो पकड़ के रखा ये था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे जस्ट इमेजिन हर इमेजिन जस्ट इमेजिन ये होना चाहिए मोटिवेशन ये होना चाहिए इंपावरमेंट ठीक है कनक बरुआ इज इज रिलेटेड विद द मूवमेंट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट ठीक है यार अपने चलो बात करते हैं आ, चलो और कोई क्वेश्चन ट्वेंटी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया रिवाइज कर लो थोड़ा अच्छे से ठीक है गे ऑन व्हाट्सएप डू ज्वाइन वीडियो को शेयर करो यार देख लो अच्छे से ठीक है प्ले में है बहुत सारे वीडियोज़ जाके चेक कर लेना एडीआर टू पॉइंट एम सी क्यू सीरीज़ है एंशियन हिस्ट्री का सीरीज़ है स्टाटिक जी के आसाम जी के ईजी इकोनॉमिक सीरीज़ और अगर आपका कुछ सजेशन है तो डू लेट मीन इन द कमेंट सेक्शन जितना आप बोलोगे उतना डिमांड्स क्लियर होगा ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर थैंक यू टाटा